हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से जस्ट नॉलेज पर। मेरा नाम है विनय मिश्रा और इस वीडियो में हम लोग सामाजिक वानिकी, फार्म वानिकी, वन्य प्राणी, भारत में वन्य प्राणी संरक्षण, इन सारी चीज़ों को अध्ययन करते हुए प्राकृतिक वनस्पति का जो यह अध्याय है उसको समाप्त करेंगे। हम लोग क्लास 11 के NCERT को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमारा यह 5वां अध्याय चल रहा था प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में। तो इसमें हम लोगों ने प्रारंभ में पूरे वन के बारे में जाना, वन क्षेत्र क्या होता है, उसके बाद में भारत के जो वन प्रदेश हैं या जो वनों के प्रकार पाए जाते हैं उनको हम लोगों ने डिवाइड किया, 5 भागों में मुख्य रूप से हम लोगों ने डिवाइड किया था। उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, नंबर 2 पे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन और बेलांचली व अनूप वन। इन सभी वनों की खास बातें मैंने आपको बताई थी, यहाँ पर बताई थी कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और इनके उस पार्टिकुलर रीजन में उत्पन्न होने के पीछे का कारण क्या है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था भारत में वन आवरण क्षेत्र के बारे में, उसके बाद में वन संरक्षण के बारे में बताया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले दोनों पार्टों में कवर कर ली है और ये हमारा प्राकृतिक वनस्पति का आखिरी भाग होगा जिसमें हम लोग ये जो सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई ऊपर उसको पढ़ते हुए समाप्त करेंगे। और जो इसके दो बचे हुए अध्याय हैं यानी कि मृदा और आपदा प्रबंधन, उन दोनों अध्यायों को भी हम लोग 2 से 3 दिनों के अंदर समाप्त कर देंगे, ठीक है। यानी कि मेरी कोशिश यही रहेगी कि अगले 2 से 3 दिनों के अंदर ये जो पूरी ज्योग्राफी है, भारत भौतिक पर्यावरण, इसको हम लोग समाप्त कर दें। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं और हम लोग जानते हैं सामाजिक वानिकी के बारे में। देखिए, अगर हम लोग सामाजिक वानिकी के मुख्य रूप से बातें करें, ठीक है, तो सामाजिक वानिकी आखिर में होता क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है, अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की, तो ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह से हमारे वनों का प्रबंध किया जाए या हमारे जो वहाँ पर बंजर भूमि है उन पर पेड़ पौधों को इस तरह से लगाया जाए कि जिससे जो हमारा पर्यावरण हो, जो हमारा समाज है या जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है, उनको अच्छे से हम लोग विकसित कर पाए। इसी को हम लोग कहते हैं सामाजिक वानिकी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है सामाजिक वानिकी, उसी तरह से अब हम लोग जो सामाजिक वानिकी है उसको 3 भागों में कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। सामाजिक वानिकी को 3 भागों में कैटेगराइज करते हैं, शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फार्म वानिकी। वानिकी का मतलब मुख्य रूप से यहाँ पर आप लोग वन से ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें शहर वानिकी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारे शहर होते हैं उनमें जो निजी क्षेत्र हैं या जो हमारे सार्वजनिक भूमिखंड होते हैं, ठीक है, वहां पर क्या किया जाए, हरित पट्टी बनाई जाए, पार्कों की स्थापना की जाए, सड़कों के साथ विभिन्न औद्योगिक स्थानों पर या व्यापारिक स्थलों पर वृक्षों को लगाया जाए, ठीक है। इन सारी चीजों का प्रबंधन या इस तरह से वृक्षों को लगाना हमारा आता है शहर वानिकी के अंतर्गत। फिर हम अगर बात करें ग्रामीण वानिकी की, तो ग्रामीण वानिकी में क्या होता है कि जो हमारे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है, उनको भी हम शामिल करते हैं। उसके अलावा जो हमारी फसलें उगाई जाती हैं यानी कि कृषि के अंतर्गत आने वाली चीजों को भी हम लोग ग्रामीण वानिकी के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो कृषि वानिकी का अर्थ होता है कि जो हमारी कृषि योग्य भूमि होती है, ठीक है, जो हमारी कृषि योग्य भूमि है या जो हमारी बंजर भूमि है, ठीक है, वहां पर हम लोग पेड़ पौधों को या फसलों को एक साथ लगाएं। उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं आगे समुदाय वानिकी में, तो यहाँ पर जो सार्वजनिक भूमि होती है, जैसे गांव में आप लोगों ने देखा होगा कि चारागाह होते हैं या जो मंदिर होती है उसके आसपास भूमि होती है, फिर सड़कों की बात करें तो उसके दोनों तरफ खाली स्थान होती है, नहर जो हमारी होती है विभिन्न उनके आसपास होती है, रेल पटरियों के आसपास आपको जगह दिखेंगी। तो इसका मतलब यह होता है कि जो हमारा ग्रामीण वानिकी है इसके अंतर्गत इन सारे स्थानों पर हमें पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। इसका उद्देश्य यही होता है कि इस तरह से जो बंजर भूमि हो या जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में बेकार पड़ी हुई भूमि हो उन पर पेड़ पौधों को लगाया जाए। फिर हम लोग बात करते हैं जो हमारा लास्ट है सामाजिक वानिकी के अंतर्गत, जिसका नाम है फार्म वानिकी, ठीक है। फार्म वानिकी की अगर बात करें, तो फार्म वानिकी के अंतर्गत किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले या दूसरे पेड़ पौधे लगाते हैं। तो यह पेड़ पौधे मुख्य रूप से किसान अपनी तरफ से भी लगा सकते हैं या जो वहां पर संबंधित वन विभाग होगा वह इन किसानों को इस तरह के पौधे उपलब्ध करवाता है बिना किसी शुल्क के, ठीक है, निःशुल्क इन तरह के पौधों को उपलब्ध करवाता है। और किसान क्या करेंगे कि अपने खेत के मेड़ों पर, चारागाहों पर, घास स्थलों पर या घर के पास जो उनके पड़ी खाली जमीन है उन सभी स्थानों पर वह लोग जाकर के इन पेड़ पौधों को लगाएंगे। तो ये हमने जान लिया सामाजिक वानिकी के बारे में। अब हम लोग थोड़ा जानते हैं वन्य प्राणियों के बारे में, ठीक है। तो वन्य प्राणियों की अगर बात करें, तो विश्व में, पूरे विश्व की अगर हम लोग बात करें, पूरे अर्थ की बात करें, तो वहां पर जितने प्रकार के
पेड़ पौधे या प्राणियां पाई जाती हैं, ठीक है। जितने प्रकार के पेड़ पौधे या प्राणियां पाई जाती हैं उनमें लगभग 4 to 5% हमारे भारत में मिलती हैं। यानी कि अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत में इनमें से 4 to 5% मिलती हैं प्राणियां और हमारे पेड़ पौधे दोनों, ठीक है। उसी प्रकार से जो हमारे यहाँ पे जलवायु पाई जाती है या जो हमारे यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र पाया जाता है, इसे हमने बहुत समय से संरक्षित रखा है। लेकिन जैसे जैसे मानव का हस्तक्षेप इसमें बढ़ता हुआ जा रहा है, वैसे वैसे आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं या जो बहुत सारे ऐसे जीव जंतु भी हैं जो धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पे हैं, या धीरे धीरे वो कम हो रहे हैं, या बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो समाप्त भी हो चुके हैं। ICUN, ठीक है, ICUN के बारे में आपने सुना होगा, इंटरनेशनल कान सॉरी एक मिनट, तो IUCN की अगर बात करें, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, यह एक संस्था है, यूएन की एक बॉडी है जिसमें एक रेड लिस्ट होता है, और अपने यह रेड लिस्ट के अंतर्गत उन सारे प्राणियों की या जीव जंतु, हम लोग बात करें वनस्पतियों की या प्राणियों की, इन सभी को वह कैटेगराइज करता है उनकी श्रेणियों में कि किनकी संख्या कम हो गई है, कौन लुप्त होने के कगार पर है, किनकी संख्या बाकी काफी कम हो गई है। तो इन सारे तरह से ये प्रजातियों को और जीव जंतुओं को क्लासिफाइड करता है उनके स्थिति के अनुसार पर कि उनकी कितनी क्षमता इस समय या उनकी कितनी मात्रा बची हुई है, वो किन परिस्थिति में है, यानी कि उन जिस पारिस्थितिकी में वो रह रहे हैं, जिस पर्यावरण में वो इस समय रह रहे हैं, क्या वह उनके अनुकूल है या नहीं, उनकी प्रजातियों में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, या वह समाप्त होने के कगार पे है। इस तरह की सारी जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैं IUCN के द्वारा। अब भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जो हमारे वन्य प्राणी हैं इनकी संख्या के कम होने के पीछे का कारण क्या होता है, आइए यह थोड़ा समझते हैं। आपको बेसिक सारी चीजें हैं, पता भी होंगी, तो आइए इनको एक बार देख लेते हैं। औद्योगिक और तकनीकी विकास के कारण वनों के दोहन की गति तेज हुई है। उसके अलावा सेकंड की बात करें तो खेती, मानवीय बस्ती, सड़कों, खदानों, जलाशयों इत्यादि के लिए जमीन से वनों का साफ किया गया है, ठीक है, ये सब कारण है। फिर हम बात करें, स्थानीय लोगों ने चारे, ईंधन और इमारती लकड़ी के लिए वनों से पेड़ काटे और वनों पर दबाव बढ़ाया है। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो पालतू पशुओं के लिए नया चारागाहों की खोज में मानव ने वन्य जीवों और उनके आवासों को नष्ट किया। फिर हम बात करें, रजवाड़ों तथा संभ्रांत वर्ग के शिकार को क्रीड़ा बनाया और एक ही बार में सैकड़ों वन्य जीवों को शिकार बनाया। व्यापारिक महत्व के लिए अभी भी पशुओं को मारा जा रहा है, पांचवा कारण हुआ। तो ये सारे कारण आपको आसानी, और जंगलों में लगने वाली आग के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा कि इससे भी हमारा जो पर्यावरण है इससे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो अब यह माना जाने लगा कि राष्ट्रीय और विश्व प्राकृतिक धरोहर को बचाने के लिए, जो हमारा इको टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए, जो हमारे वन्य प्राणी होते हैं उनका संरक्षण बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो इसी बारे में हम लोग भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से अब जानते हैं कि भारत में वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। भारत में वन्य प्राणी अधिनियम, ठीक है, वन्य प्राणी अधिनियम 1972 में पास हुआ, जो यह बताता है कि जो हमारे देश में वन्य प्राणी है उनका संरक्षण और उनका रक्षण किस प्रकार से किया जाएगा। अगर हम लोग बात करें तो इस एक्ट के मुख्य रूप से दो प्रोविजन थे, ठीक है, जो हमारा यह एक्ट था इसके मुख्य रूप से दो प्रोविजन थे। पहला क्या था कि इस अधिनियम के तहत अनुसूची में सूचीबद्ध जितने भी संकटा प्रजातियां हैं उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए, यानी कि ऐसी प्रजातियां जो संकट में हैं, यानी कि जो समाप्त होने के कगार पे हैं, उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। उसके बाद में इसका दूसरा उद्देश्य था कि ऐसे नेशनल पार्क, पशु विहार, इस तरह से संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता दी जाए, ठीक है, कि नेशनल पार्क और जो हमारे पशु विहार होते हैं इनको स्टेब्लिश किया जाए और इनको अच्छे से कानूनी मदद दी जाए जिससे ये इन सारे लुप्त प्राय प्रजातियों को अच्छे से संरक्षण कर सकें। फिर जाकर के वन्य जीव प्राणी अधिनियम 1972 को संशोधित किया गया संविधान के दायरे के अंतर 1991 में। 1991 में इसको संशोधन करने के बाद में एक चीज किया गया कि इसका जो लोग उल्लंघन करेंगे, यानी कि ऐसी प्रजातियां जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है 1972 के अंतर्गत, ठीक है, वन्य प्राणी अधिनियम के अंतर्गत जिन प्रजातियों को संरक्षित किया गया है उनका अगर कोई शिकार करता है या उनसे संबंधित कोई व्यापार करता है तो उसके लिए कठोर सजा का प्रावधान किया गया 1991 में, जो इसमें संशोधन किया गया था। अब अगर हम अपने देश भारत की बात करें तो भारत में वर्तमान में 102 नेशनल पार्क हैं, 515 वन्य प्राणी अभयवन हैं और ये 1.57 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैले हुए हैं।
इससे क्या पता चलता है कि हमारे यहाँ पर जो वन्य प्राणी संरक्षण का दायरा है यह काफी बड़ा है। हम बात कर रहे थे यूनेस्को की, तो यूनेस्को ने मानव और जीव मंडल योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने वनस्पति जात और प्राणी जात के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अगर इन कदमों की बात करें तो आपने सुना ही होगा कि हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, कब, 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर का मतलब क्या हुआ कि यह मुख्य रूप से फोकस करता था टाइगरों के संरक्षण पर, ठीक है, बाघों के संरक्षण पर यह मुख्य रूप से फोकस करता था। उसके बाद में प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में भी शुरू किया गया। तो इनमें से जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर था यह 1973 से प्रारंभ किया गया और इसका मुख्य रूप से उद्देश्य था कि हमारे देश में जितने बाघ इस समय बचे हुए हैं, ठीक है, उनकी जो जनसंख्या है अगर उनमें वृद्धि ना किया जा सके तो उनमें जो जनसंख्या का वर्तमान में स्तर है उसको मेंटेन किया जाए, ठीक है, उनको अच्छे से इस तरह से उनको चीजें प्रोवाइड कराई जाएं कि उनका अच्छे से बना रहे, वो हमारे पृथ्वी पर, सॉरी, हमारे भारत में बचे रहें, वो समाप्त ना हो। इसीलिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में। तो इसके अंतर्गत 9 हमारे टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए, 9 बाघ निचयों का स्थापना की गई जो 16,339 वर्ग किलोमीटर पर फैले थे। अब यह योजना 44 करोड़ बाघ निचयों में चल रही है और इनका क्षेत्रफल 36,988 वर्ग किलोमीटर है जो कि 17 राज्यों में कुल मिलाकर के व्याप्त है। देश के बाघों की संख्या के बारे में भी मैंने अभी आपको जो डेली न्यूज एनालिसिस है उसमें बताया था कि हमारे देश में जो बाघों की संख्या है 2002 से जब से सेंसस हो रहा है तब से लगातार यह बढ़ती जा रही है। 2002 में आपने देखा 1441 था, 2010 में 1706 हो गया, इस समय कुल मिलाकर 2400 के आसपास हमारे देश में बाघों की संख्या है और 2018 में एक बार फिर से बाघों की जनसंख्या काउंटिंग शुरू हो गई है। यह योजना मुख्य रूप से बाघों पर केंद्रित होती है और इसमें उसकी जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, उनका जो इकोसिस्टम होता है, उनको किस तरह से स्थिर रखा जाए इसके ऊपर जोर दिया जाता है। अब देखिए, अगर हम बाघों की बात करें तो अगर बाघों को संरक्षित करना है तो उसके लिए क्या करना होगा कि बाघ जिन सारे चीजों का शिकार करते हैं, ठीक है, अब बाघ तो ये तो है नहीं कि वो घास फूस खाता है या चावल दाल खाता है, उसके लिए कुछ स्पेसीज होते हैं जिनको खा करके वो फूड चेन को मेंटेन रखता है। तो इसी तरह से अगर बाघ को संरक्षित करना है तो उन सारे जानवरों को संरक्षित करना होगा जिनका शिकार करते हैं हमारे बाघ, ठीक है, बाघ जिन जानवरों का शिकार करते हैं उनको भी हमें कंजर्व रखना होगा अगर हम लोग बाघों को अच्छे से कंजर्व करना चाहते हैं। तो इसीलिए पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषण स्तरों को मेंटेन रखना होगा और जो ये फूड चेन होता है, जो हमारी भोजन की कड़ी होती है, इसको भी मेंटेन रखना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट के बाद में, तो भारत सरकार ने कुछ अन्य जीवों के संरक्षण के लिए योजना चलाई है, जैसे मगरमच्छ प्रजनन परियोजना, हंगुल परियोजना और हिमालय कस्तूरी मृग परियोजना, ठीक है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन बाहे, आपने सुना होगा कि जो कस्तूरी नाम का मृग होता है उसके नाभि में एक कुंडल की तरह पाया जाता है। कस्तूरी आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने देखा होगा उसको, अगर आप लोग एक बार हाथ में ले लेंगे तो काफी समय तक हाथ में आपके उसके महक रहती है, ठीक है, तो वही होता है कि उसमें बहुत ही ज्यादा महक रहती है। वही एक दोहा भी आपने पढ़ा होगा कि कस्तूरी कुंडल बसे, कि नाभि में उसके होता है और जो मृग होता है यानी कि जो हिरन होता है वो पूरे वन में उसको ढूंढता रहता है। तो ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया वन्य जीव संरक्षण के बारे में। अब जो हमारे यहाँ पर कुछ बायोस्फीयर रिजर्व हैं यानी कि जीव मंडल नीचे हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जीव मंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र होते हैं और विशेष रूप से यूनेस्को और जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत इन्हें मान्यता प्राप्त की गई है, ठीक है। भारत में कुल मिलाकर के 18 जीव मंडल नीचे हैं, इनमें से 10 जीव मंडल नीचे यूनेस्को के द्वारा जीव मंडल नीचे विश्व नेटवर्क में मान्यता प्राप्त है। यूनेस्को के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि यूनेस्को जो विश्व के बहुत सारे स्थल होते हैं जो सांस्कृतिक या धरोहर होते हैं उनको मान्यता प्रदान करता है अपनी लिस्ट में के अनुसार। तो हमारे भारत के सबसे अच्छे और सबसे पहले जीव मंडल नीचे के बारे में जानते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जानते हैं, जो कि है नीलगिरी जीव मंडल नीचे और इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, ठीक है, और यह हमारे भारत का पहला जीव मंडल यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व है। इस नीचे में वायनाड वन्य जीवन सुरक्षित क्षेत्र, नगर होल, बांदीपुर और मुदुमलाई, नीलम्बूर का सारा वन से ढका ढाल, ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली, सिद्धवानी पहाड़ियाँ शामिल हैं। इस जीव मंडल नीचे का कुल क्षेत्र 5,520 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर मैप दिया होगा, यहाँ पर आइए मैं आपको जीव मंडल भारत के दिखाता हूँ। जो जीव मंडल नीचे है, नंदा देवी आप देख रहे होंगे उत्तराखंड में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, अमरकंटक मध्य प्रदेश में, सिल्पियार यहाँ पर आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा, उसके बाद में नारकेग मेघालय में आपको मिलेगा, असम में आपको मानस मिलेगा, डिब्रू साइकुला दिहांग देवांग ये आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगे, सुंदरवन भी आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा। उसके बाद में हम लोग चलते हैं अगर अपने दक्षिणी भारत में, तो यहाँ पर आपको नीलगिरी मिलेगी,
अगस्त मलाई मिलेगा और मन्नार की खाड़ी, ये सब भाई हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व अब मुख्य रूप से वहीं पर बनाए जाते हैं जहाँ पर जो जैव विविधता होती है वो बहुत ही विशाल मात्रा में पाई जाती है। यहाँ यानी कि ऐसे स्थान जहाँ पर जीव मंडल में जो विविधताएं पाई जाती हैं, जो वहाँ का क्षेत्र होता है वहाँ पर जो विविधताएं पाई जाती हैं वो बहुत ही ज़्यादा होती हैं, वैसे स्थानों को हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में स्थापित करते हैं। तो नीलगिरी की अगर हम लोग बात करें तो नीलगिरी में आपको बहुत ही प्रभावित प्राकृतिक वनस्पति सूखी झाड़ियाँ मिलेंगी, जैसे शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन, अर्ध सदाबहार वन, आर्द्र सदाबहार वन, सदाबहार शिलोष्म घास के मैदान, दलदल शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ढेर सारी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पर दो संकटापन्न प्राणी प्रजातियाँ, ध्यान रखिएगा इन प्राणी प्रजातियों के बारे में, एक हमारा है नीलगिरी ताहर, ठीक है, नीलगिरी ताहर एक प्रकार की गोट होती है, बकरी होती है, और यहाँ पर शेर जैसी पूंछ वाले बंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों जान के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके अलावा नीलगिरी अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे अन्य जीव जैसे हाथी, बाघ, गौर, सांभर, चीतल, इन सारे जानवर भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें से कुछ संकटापन्न हैं और क्षेत्रीय विशेषता वाले पौधे भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये हम लोगों ने जाना इसके बारे में। अगर इसकी हम लोग थोड़ी सी और अच्छी बात कर लें तो इसकी जो स्थलाकृति है उबड़ खाबड़ है, क्योंकि मुख्य रूप से पश्चिमी घाट पर स्थित है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 250 मीटर से 2650 मीटर तक है। पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले 80% फूलदार पौधे इस नीचे में मिलते हैं। फिर हम बात करें अगर नंदा देवी जीव मंडल नीचे के बारे में, तो नंदा देवी जीव मंडल नीचे उत्तराखंड में स्थित है, जिसमें चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों के भाग शामिल होते हैं। मुख्य रूप से यह कहाँ पर पाया जाता है, जो हमारा रीजन है शीतोष्ण कटिबंधीय वन, ठीक है, यहाँ पर मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र पाए जाते हैं। और यहाँ पर पाए जाने वाली प्रजातियों में जो हमारी लकड़ी की प्रजातियाँ मिलती हैं उनमें हमारा हो गया सिल्वर उड, लैटोफोली, ऑर्चिड, रोडोडेड्रॉन, और जीव मंडल नीचे में कई प्रकार के वन्य जीव जैसे हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम मुर्गा, सुनहरा बाज, काला बाज इत्यादि नंदा देवी जीव मंडल नीचे में पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे जीव मंडल नीचे दिए होंगे, आप लोग चाहें तो इसको अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र को मुख्य खतरा संकट पर इकट्ठा करना, दावलन, ये सब बातें छोड़िए, अब हम लोग जान लेते हैं सुंदरवन जीव मंडल नीचे और मन्नार की खाड़ी के जीव मंडल नीचे के बारे में। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। तो आइए जान लेते हैं सुंदरवन जीव मंडल नीचे के बारे में, यानी कि इस बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो यह हमारा स्थित है कहाँ पर, सुंदरवन, सुंदरवन के डेल्टा का भी आपने नाम सुना होगा, गंगा नदी के द्वारा इस डेल्टा का निर्माण किया जाता है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में। तो यह पश्चिम बंगाल के गंगा नदी के दलदली डेल्टा पर स्थित है। यह एक विशाल क्षेत्र 9630 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पर फैला हुआ है। इसमें आपको मैंग्रोव वन मिलेंगे, अनूप वन मिलेंगे और यहाँ पर वनाच्छादित द्वीप भी मिलेंगे। सुंदरवन लगभग 200 रॉयल बंगाल टाइगर का आवासीय क्षेत्र है। मैंग्रोव वृक्षों की उलझी हुई विशाल जड़ समूह मछली से श्रिम्प तक आश्रय प्रदान करती है। इन मैंग्रोव वनों में 170 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां भी पाई जाती हैं। स्वयं को लवणीय और ताजा जल पर्यावरण के अनुरूप ढालते हुए बाघ पानी में तैरते हैं और चीतल, भौंकने वाले मृग, जंगली सुअर और यहाँ तक कि लंगूरों जैसे दुर्लभ शिकार भी कर लेते हैं। सुंदरवन के मैंग्रोव वनों में हरीसेरा फोमिज, जो कि 20 कीमती इमारती लकड़ी है, ये भी पाई जाती हैं। तो ये हमने सुंदरवन के बारे में जाना। यहाँ पर सुंदरी नाम का भी एक वृक्ष मिलता है जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया है सुंदरवन। फिर हम लोग लास्ट में बात करते हैं मन्नार की खाड़ी के जीवमंडल नीचे के बारे में। मन्नार की खाड़ी का जीवमंडल नीचे लगभग 1,05,000 हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है और भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है। समुद्रीय जैव विविधता के मामले में यह क्षेत्र विश्व में सबसे धनी क्षेत्रों में से एक है। यह जीव मंडल नीचे 21 द्वीप हैं और इन पर अनेक ज्वार नदमुख, पुलीन, तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घासें, प्रवाल द्वीप, लवणीय अनूप और मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। यहाँ पर लगभग 3,600 पौधों और जीवों को संकटापन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे समुद्री गाय, डंगडंग डुगोन। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्रीय विशेष की 6 मैंग्रोव प्रजातियां भी संकटापन्न हैं। तो ये हम लोगों ने आज समाप्त किया अपने इस अध्याय प्राकृतिक वनस्पति को। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट हो, कोई शंका हो, कुछ संदेह हो तो आप लोग बेहिचक उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आपने अपना समय दिया, इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर द लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।